हेलो मेरे प्यारे भाई लर्न आईक्यू पे आप लोगों का स्वागत है। भारतवर्ष में जितना भी वन डे एग्जाम होता है सभी के लिए जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु रिवर डॉल्फिन है। शांति का प्रतीक पक्षी कबूतर। राष्ट्रीय आदर्श वाक सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुनकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अशोक चक्र में कितना सरिया होती है? 24। सारी मतलब तिलियां होता है। राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था वर्ष 1911 ईस्वी में। कलकत्ता राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। सख संबद्ध पर राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया 1957 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 होता है। राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय पर्व 3 है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले ही ओवर में हैट्रिक ली इरफान पठान। MiG-21 का उड़ान भरने वाली भारत पहली महिला अवनति चतुर्वेदी। ओलंपिक में रजत पदक पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह। फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने वाली KM करियप्पा। निजी क्षेत्र का पहला बैंक HDFC बैंक। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। गणित में असाधारण योगदान S रामानुजन। भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया। पहली IPS अधिकारी किरण बेदी। सबसे तेज मानव संगणक शकुंतला देवी। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SI पद्मावती। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजेलिस में भारतीय फिल्म उद्योग के जनक दादा साहेब फाल्के। भारत में सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। भारत रत्न से सम्मानित पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। 2008 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में सोनम वांगचुक। रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है पत्रिका के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से है। 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार के शिवा रेड्डी को। अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार का संबंध UK से है। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक ईश्वरचंद विद्यासागर से है। प्रेरक दौड़ सम्मान का संबंध स्वच्छा लेखक देवेश राय का संबंध बंगाली भाषा से है। द डिसाइकल फिल्म बनी मराठी में। क्रिस्टल अवार्ड 2020 में सम्मानित दीपिका पादुकोण। शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध केरल से। हिंदू एवं मुस्लिम का अद्भुत संयोग कथक नृत्य से। तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र से। मुनवा के प्रसिद्ध नृत्य चाल संबंधित है। माइकल रॉग मियां मल्हार का सृजन किया तानसेन ने। सतरिया नृत्य का संबंध असम से है। कचुपुरी नृत्य की उत्पत्ति हुई आंध्र प्रदेश में। झूमर पारंपरिक नृत्य है असम का। भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है भागरा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। कथक किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। गिद्धा लोक नृत्य संबंधित है पंजाब से। नृत्य शैली डुल्लू कुनीथा का संबंध कर्नाटक से। शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है कालबेलिया। गरबा लोक नृत्य का संबंध है गुजरात से। असम लोक नृत्य का शैली नहीं है मंजास। लोक नृत्य शैली गोटीपुआ संबंधित है ओडिशा से। धुमहल लोक नृत्य असम जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य फाग। होजागिरी रिग लोक नृत्य त्रिपुरा से। धीमसा लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अटन टुलन नृत्य केरल से। केरल का नृत्य मोहिनीअट्टम। मुगल प्रभाव से संबंधित नृत्य कथक। त्रिपुरा का लोक नृत्य नहीं है मुखौटा। सदीर किसका प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का। घूमर किस प्रारंभिक लोक नृत्य है? राजस्थान का। जज जटिन लोकप्रिय नृत्य है बिहार का। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? 9। टापू
टापू नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। सोडोल लोक नृत्य कहाँ है? लद्दाख में। जेलिंग लोक नृत्य कहाँ है? नागालैंड में। बिहार का लोक नृत्य नहीं है, कालबेलिया विदेशिया है बिहार का लोक नृत्य। भगवान कृष्ण के जन्मदिन से संबंधित नृत्य मणिपुरी। तरपा कहाँ का लोक नृत्य है? दादर नागर हवेली। मिजो लोगों का पारंपरिक नृत्य चेराव, यानी मिजोरम है तो मिजो मतलब। गौरिया नृत्य भारत के किस भाग में है? पूर्वी भाग में। सिक्किम में नेपाली समुदाय का नृत्य मरुनी, सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है क्रागटम। कलाश्रम संस्थान का संस्थापक बिरजू महाजन। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जुड़ी है भरतनाट्यम से। भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 है। उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है तमाशा। अजूम लामू में लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में। सुवा लोक नृत्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है अरुणाचल प्रदेश में। नितंगना रंजना गौहर का संबंध ओडिसी से। मंडुक शब्द जुड़ा हुआ है कुचिपुरी से। बगुरुम्बा लोक नृत्य बोडो समुदाय का है। झिझिया लोक नृत्य कहाँ है? बिहार का। उस्ताद अहमद अली खान का संबंध सरोज से है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रख्यात गायिका शुभा मुगदल। भारत के मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है। अकादमी पुरस्कार विजेता AR रहमान है। सूफी भक्ति संत का रूप कुआली है पंडित भीमसेन जोशी। शास्त्रीय संगीत शैली हिंदुस्तानी से जुड़ी है। पंडित बुद्धित्य मुखर्जी का संबंध सितार से है। सूफीवाद से संबंधित संगीत शैली कवाली है। गायक उदय वहवलकर का संबंध ध्रुवपद गायक से है। छठ पूजा गीतों का प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा है।